तो दोस्तों हमने जो हुक लगाए थे उसको स्टार्टिंग में तो भी मिल गया है पनिया, और आगे देखते हैं। इससे पहले एक मच्छी मिलती दोस्तों, वही कटाना था, बिच्छू कटाना बोलते हैं उसको, और आगे देखते हैं क्या मिलता है हमको। तो दोस्तों काफ़ी हद तक देखने के बाद, काफ़ी ज़्यादा देखने के बाद यहाँ पर सामने कुछ खींच रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो एक सेंगट जो है उसका बच्चा है, यहाँ पर अभी छोटा है दोस्तों, उसको ऐसे रहने देंगे, शायद उसको भी कोई अगर बड़ी मच्छी आकर खाए तो हमको मिल सकती हो, इसलिए उसको नहीं निकालेंगे, वैसे रखने के लिए। और आगे देखते हैं क्या मिलता है। तो हम जिसके लिए हमने गल डाले वो अब तक तो दिखाई नहीं दी, लगभग यहाँ पर आधी दावन तक कंप्लीट हो चुकी है हमारी। और देखते हैं आगे, तो दोस्तों फाइनल काफ़ी टाइम देखने के बाद यहाँ पर सामने ऐसा लग रहा है कुछ बड़ी मच्छी खींच रही, देखते हैं कहाँ पर है। तो ओ दोस्तों यहाँ पर देख लो, हमको जिस चीज़ का इंतज़ार था फाइनली वो मच्छी आ चुकी है, ये देख लो, बाम मच्छी दोस्तों। इसके लिए हमने जो हुक यहाँ पर लगाए थे देख सकते हो, फाइनली कम्प्लीटली हमको मिल चुकी है, बड़ी तो नहीं दोस्तों लेकिन है, जितनी भी है उतनी तो मिले हमको। चलो इसको बाहर निकालते, पहले सबसे पहले जब निकालने का यूनिक तरीका है दोस्तों, ऐसे दे हाथ भी नहीं लगाने देगी, तो सबसे पहले इसको करना है और इसका जो सर है इसको तोड़ देना है, और जिसको काटे उससे बचकर ये सब करना है हमको। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे इसका जो है सर पकड़ने का ट्राई करेंगे, क्योंकि ये पकड़ने नहीं दी, जो नुकले काटे होते उससे बहुत मारने का ट्राई करती है। तो दोस्तों देख लो मैंने इसको पकड़ लिया है, तो सबसे पहले इसका जो है सर तोड़ेंगे। सर तोड़ने की वजह दोस्तों ये है कि ये शांत बैठेगी, सर तोड़ने की बात जंप नहीं करेगी दोस्तों। फाइनली है तो गलत लेकिन करना तो पड़ेगा, तो मैंने इसका जो सर है तोड़ दिया है। अब जो हुक है कहाँ पर अटका हुआ है देखना पड़ेगा दोस्तों, जो हुक है वो तो काफ़ी अंदर जा चुका है, काफ़ी अंदर जा चुका है जो हुक है दोस्तों, इसका मुंह पेट के अंदर का लग गया है, शायद चला गया है, देखते हैं कहाँ पर है। तो इतना अंदर चला गया दिखाई भी नहीं दे रहा दोस्तों। हाँ दोस्तों अब शायद दिखाई दे रहा है, यहाँ पर यहीं पर कहीं है वो, मैंने उसको थोड़ा खींचा तो थोड़ा ऊपर आ गया है वो, अब देखते हैं इसको निकालने का ट्राई करते हैं बाहर। अंदर आ गए वो जो हमारा, और अगर रहेगा तो निकालने में आसानी होगी, लेकिन पेट के अंदर जाएगा तो बहुत दिक्कत होती है निकालने में। फाइनली दोस्तों ये निकल गया है, चलो तो बाहर निकालते इसको अब। ये दोस्तों निकल गया है बाहर, और ये देख लो हमारी बाम मच्छी दोस्तों, जो मैंने अभी अभी पकड़ी है आपको दिखाई है पकड़ कर। तो चलो और आगे देखते हैं, आगे मिलते हैं कि नहीं देखते। एक तो मिल गई दोस्तों, हमारी स्टार्टिंग जो हो चुकी है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और साथ ही साथ इस बांध की बाम मच्छी के लिए एक सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। हम देखते हैं आगे और मच्छी मिल जाए हमको। दोस्तों हमने बहुत सारे दाम देखी, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है सामने बहुत ही बड़ा कुछ ऐसा है जो बहुत तेज खींच रहा है, देखते क्या है। तो शायद जो बाम मच्छी हो या सेंगट हो या पड़ी हो, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, देख सकते देखेंगे क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर तो बहुत बड़ा सिंगड़ा आया गया है, देख सकते हो काफ़ी बड़ा है फ्रेंड्स, देख लो। चलो इसको पकड़ते ही धीरे से, क्योंकि इसके जो कांटे होते हैं वो नुकीले होते हैं, और गलती से हाथ में लग गया और चुभ गया तो समझो हाथ आपका किसी काम का नहीं रहेगा, 10-15 दिन इसको कुछ काम नहीं कर सकते उस हाथ से। फाइनली इसको पकड़ लिया मैंने, जो काटे तोड़ेंगे इसके, तोड़ दिया एक काटा और दूसरा वाला,
और बचा हुआ है आखिरी का, लास्ट का, उसको भी तोड़ देंगे। और ये इसको भी तोड़ दिया है, चलो इसको निकालते हैं जाली के बाहर। सॉरी दोस्तों, गल के हुक्स निकल लिया है, उसके मुँह के बाहर हुक निकल लिया, देख सकते हो। डालते खरी के अंदर और आगे देखते हैं हमको मिल जाए शायद बाम मच्छी, लेकिन हमारे यहाँ जो दावन होती है वो नीचे छूट गई है और मिल गई है फाइनली, और देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो दावन है कंप्लीट हो चुकी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा, हमारी बाम मच्छी अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो को भी लाइक कर दो। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगर हमको मिल जाए बड़ी मच्छी, अगर इससे बड़े बड़े ऐसे अच्छे खासी रिस्पॉन्स मिला तो हम अच्छे खासी वीडियो लाएंगे, बड़े बड़ी बाम फिश के। तब तक के लिए बाय बाय।